30 सितंबर को कन्नौज में अधिवक्ताओं द्वारा महिला लेखपाल से सर्टिफिकेट बनवाने को लेकर किए गए दुर्व्यवहार, 24 सितंबर को धरनारत लेखपालों पर किए गए हमले के दोषियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ उप शाखा तहसील सदर गोरखपुर के बैनर तले लेखपालों का धरना प्रदर्शन शुक्रवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान लेखपाल संघ के जिला अध्यक्ष नील कंठधर दुबे, तहसील अध्यक्ष दिनेश कुमार पंकज, मंत्री जावेद सहित अन्य लेखपाल मौजूद रहे। इस संबंध में संघ के जिला अध्यक्ष नील कंठधर दुबे ने कहा कि जब तक साथी लेखपालों को न्याय नहीं मिलता है आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर गोरखपुरनी से बात करते हुए लेखपाल संघ के अध्यक्ष नील कंठधर दुबे ने बताया, उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, पूरी करो पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो, उदंडा विद्या अधिवक्ताओं का गिरफ्तार, मांगे पूरी हो जय हो पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो पूरी हो पूरी हो, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, कंठधर दुबे जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ गोरखपुर। ये धरने का तीसरा दिन है, आज दिनांक 20/9/19 को कन्नौज के कुछ अधिवक्ताओं द्वारा हमारे महिला लेखपाल के साथ कन्नौज में छिबरा मऊ तहसील में ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट को बनवाने को लेकर कुछ मारपीट हुई। दूसरी महिला बचाव में आई उसको भी मारे पीटे लोग। 24 तारीख को उसके विरोध में जिलाधिकारी कन्नौज के कार्यालय पर हमारे कन्नौज जनपद के साथी अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी मांगों को मानने के लिए, अपनी बातों को कहने के लिए, जिस पर हजारों की संख्या में वहां के अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर प्री प्लान के तहत लाठी डंडों से लैस होकर के प्राण घातक हमला कर दिया। वहां का जिला प्रशासन पंगु बना रहा, यहाँ तक कि DM की भी पिटाई हुई। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं है, जिससे क्षुब्ध होकर के उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ अपनी मांगों के समर्थन में, अपनी मांगों को मानने के लिए, मनवाने के लिए कटिबद्ध है। उसी के विरोध में हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। जब तक कन्नौज के साथियों के साथ न्याय नहीं होगा, हमारा धरना अनवरत चलता रहेगा।